फैमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड सिक्स ब्रांड न्यू फोन के बाद ब्लॉग करना तो भूल जा एंड सारा स्कॉर्ड की जय हो अ क्यूँ नही वीडियो है

पूरा रायता फैल गया एंड देन उसके बाद मैंने ही नहीं किया एंड आई डिड नॉट डू एन आउट ट्रोस मेक लाइक ए स्टोरी टाइम वीडियो एंड आई ऑल्सो टुक सम क्वेश्चंस ऑन द लास्ट ब्लॉग दर ए पोस्टेड फ्रॉम गिली चा आप लोगों को मैंने पूछा कि व्हाट आर द थिंग्स यू वॉन्ट टू आस्क इफ यू आर प्लानिंग अ बाली ट्रिप एंड आई वुड आंसर देम फॉर यू ना हेव डन दिस सॉट अर वीडियो आफ्टर आईड कम बैक फ्रॉम माई सोलो यूरोप ट्रिप लॉन्ग बैक लाइक 2 ईयर्स बैक

ओबोज नूसा एंड गिली चवेंगिन ओबोज नूसा पेनिडा गिली चवेंगिन की सारी एक्टिविटीज के व्लॉग्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे गिली चवेंगिन जो आइलैंड था उधर से जैसे ही हम निकले व्लॉग खत्म हो गया

महंगी नहीं है हम दोनों का मिला के कुछ सिक्सटी सेवेंटी डॉलर्स हुआ था दैट्स वेरी वेरी इनएक्सपेंसिव फॉर फेरीज सो so, चीप ही है मतलब ऐसा नहीं कि महंगा पड़ता है आपको बट बहुत डीले होती है और जैसे कुछ हाई फाई फाइव स्टार लग्जरी फेरी नहीं है दिस इज लाइक अ नॉर्मल लाइक अ बोट ओके दिस इज लाइक अ स्पीड बोट विथ अ सीट दैट्स एज सिंपल एज इट गेट्स एंड दुट लाइक अग बारदान का कपड़ा ओवर इट वॉटर प्रूफ एंड दे प्रोटेक्टेड सो दैट डेट वेट एंडल द प्रोटेक्शन योर लगेज है तो कुछ सेफ्टी है नहीं मतलब उसमें तो ये फेरी में हम बैठे पहली बार तो लेट थी तो इट टू कस आई थिंक टू आर का डीले था गिली में हम पूरा वो रॉकी रस्ते पे हमारा ड्रैग कर कर के पहुंचे फेरी के लिए एंड जैसे हम पहुंचे पता चला दो घंटे का डीले है एंड फाइनली फेरी में बैठे व्हेन द बोट राइडेड एवरीथिंग जोनी फ्रॉम गिली ट्रवाच इज द पोर्ट एंड इज अ फोर आर फेरी राइड इन द मिडिल ऑफ द ओशन This ocean is scary. Like there was a point at which I was ली लाइक like, हम डूब जाएंगे लाइक like, you know, यूरो इतने बड़े बड़े वेव्स आ रहे थे तो मैं कर ही नहीं पाया मेरे को मेरी जान की चिंता थी से हमारी बोट ऐसी अब भी पहुंचेंगे बोली दूर दूर तक देखो आबादी नहीं दिख रही है तुमको और कोई बोट नहीं है अगर हम डूब गए तो दूर तो दूर तक किसी को कालो खबर भी नहीं होगी कि हम डूब गए It was so scary that boat, right? Because like I'm saying, it's not a covered ferry. It's a boat. It's a literal speed boat and it's a four-hour journey. It was so scary. Like, high tide, and rocky. and we asked them also later they were like, nah, nah, with nature, you don't really know. Sometimes it's high tide, sometimes it's low tide. So it's not like always they face those waves, but the waves were like

into our airbnb in denpasar and johamara first driver tha in ubud he was a very nice guy and we saved his number he was super sweet his name was yuna and he's super important to this story also so yuna हेल्पर्स गेट दिस ड्राइवर जिन्होंने हमको पिकअप किया फ्रॉम सानूर एंड एन बी वॉज सो क्यूट इट वॉज एक्स ड्रीम बट हम पहुंचे फाइव थर्टी को थे एंड देन सनडाउनर हो गया और वो बस एक रात हम डेनपसार में रुके थे हमको फ्लाइट लेके बॉम्बे वापस आना था इट वॉज जस्ट लाइक अ ले ओवर एडर बस रात काटने के लिए वो एबीएन भी किया था बट बहुत ही क्यूट एबीएन भी था उसका लिंक भी मैं आप लोग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी हैूम्स विला एंड हर रूम की एक अलग बुकिंग

हम पहुंचे मुझे एक जापनीज रेस्टोरेंट दिख गया था उधर एंड आई सो वांटेड टू इवन दैट वाज बर्थडे लाइक प्लीज लेट ईट जापनीज फूड बिकॉज पूरे चुप्पा मैंने बिल्कुल भी सुशी नहीं खाया था एंड नो हाउ मच आई लव सुशी सो आई गॉट टू मेक द फूड चॉइस बिकॉज ही ऑन द नाइट ऑफ बर्थडे एंड आई लव लॉबस्टर बट एट इन गिल So we decided to eat Japanese food. हमने वो एक छोटा सा नुक देख लिया तो we quickly got ready and went to eat Japanese. The food was so good. इतनी छोटा सा shack था but इतना authentic Japanese food था बहुत tasty था. Ramen bowl he also really enjoyed ramen because it was authentic Japanese style ramen and he really likes that kind of a cuisine. And I love my sushi so I enjoyed that. We loved the fish, the prawn. Everything was very good. और जैसे हम room पे हैं ना because I ate इतना अच्छा खाना मुझे बहुत तगड़ी नींद आने लगी. So I told Rith I'll go to sleep and he wanted to watch एंड आई सेड नहीं नहीं मुझे रही, मुझे नींद नींद आ आ रही रही है और ना हमारी बिल्कुल पैकिंग हम जमा हो गए थे थ्रू द ट्रिप हमारे गीले कपड़े सारे स्विमिंग के कपड़े वो सब इधर उधर हो गया था उधर so रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दोनों जगे और हम दोनों हमारी पैकिंग करें ताकि वी ट्रेवल नाइसली टू बॉम्बे

बिकॉज लास्ट में आई डू दिस मेंटल चेक विथ मी बिकॉज मुझे आदत है कि मैं पिलो उठाती हूँ मैं बेडशीट उठाती हूँ हर एक कॉर्नर चेक करती हूँ क्योंकि मैं ब्लॉक करती रहती हूँ आई गेट एवरीथिंग ऑन कैमरा ऑल्सो सो आई नो की हर चीज कहाँ रखी हुई है so हम दोनों का हमेशा से यही रेपो रहा है सो ही डिड द सेम थिंग वोक अब एट फाइव फोर्टी वाइज जस्ट बिफोर वी हेट टू लीव गॉट रेडी क्विकली सो वाई लीविंग ही डिड द सेम थिंग डिवाइस टेकन कॉस्मेटिक्स टेकन कपड़े टेकन बैग्स टेकन डिड यू चेक एवरी थिंग आई यू डन ये वो उसने उसका पूरा चेकलिस्ट किया And I said, yes, 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 because I did take.

send the host ki see we are leaving your villa in this condition so i had the photos of every corner we were not in any ghai only in the morning our driver came at 6:15 and we still had 15 minutes to aaram se leave so maine to safar ki dua bhi pad li sab kar liya acche se we were leaving the apartment very nicely and shanti se usually log bolte hai na ki ghai mein gadbad hoti hai to aisa bhi nahi tha ki hum koi ghai mein the we were very shanti se aaram se leaving the airbnb all things were going really nicely smoothly we sat in the car went इट वॉज लाइक अटी फाइव मिनट ड्राइव फ्रॉ द एबीएन बी टू द एयरपोर्ट एयरपोर्ट पर काउंटर्स भी नहीं खुले थे हम लिटरली फोर्टी फाइव मिनट अंदर चेक इनके खाली बैठे हुए थे और काउंटर्स खुले भी नहीं थे एंड दैट्स रियली नाइस एंड आई थिंक इज वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी महंगी भी नहीं थी ज्यादा फिफ्टी थाउजेंड में हम दोनों का राउंड ट्रिप हो गया विच आई थिंक इज डिसेयर

And because Vistara overbooks their flight, so हमको, जो फ्लाइट में हमको जाना था वो ऑफलोडेड हो गए हम उधर से और हमको नेक्स्ट फ्लाइट में डाला और वो भी डिले हो गई तो बहुत लेट हम घर पहुंचे बहुत ज्यादा थके हुए हम घर पहुंचे बट थोड़ा मैं ज्यादा आगे पढ़ रही हूँ बाई गिविंग रिव्यू लेटमी जस्ट

ट टे लैंड ओकेट अ लैंड एंड टोल रीत के हम हमारे लोकल सिम्स डाल देते हैं हमारा जो उधर बाली का सिम कार्ड है निकाल देते सो आई वेंट एंड गॉट माई टोर बैग आउट एंड एवरीथिंग वी वॉज जस्ट शॉविंग इन माई टोल बैग देट वॉज द मोट एक्सेसिबल बैग सो इवन फॉर मनी एंड एवरीथिंग एवरीथिंग वॉज इन माई बैग ऑल द टाइम

Because you did the sim card thing. So he couldn't remember. So I was like, is there a chance that it's in the fold? Because we took the Samsung Galaxy Fold and also when we took both actually fold and flip and went on this trip. So if you all know, recently I did a campaign with Samsung and I had both Samsung Galaxy Z Fold 6 and Samsung Galaxy Z Flip 6. And the camera quality on the Z Fold 6 is really, really good. And I was shooting for the Z Flip 6 on this trip. So we decided to carry both these phones on this trip because we laga a low light Samsung ki cameras actually. बहुत अच्छे से काम करते सो इन द नाइट एंड ऑल इट विल बी रियली यूजफुल सो टेक्निकली वी वर्क Traveling with four phones, he was traveling with the Samsung Z Fold and his Samsung Ultra. I was traveling with my iPhone and my Samsung Z Flip Six. So, we both So, all this while he's been using the Z Fold, other and I've been using the Z Flip, subsejada. So, I told him, maybe you've put your original SIM in the Z Fold because his local SIM of Bali was in his Samsung Ultra. So, I said, maybe it's in that. Let's check. So, I asked him where is the phone. So, he's like, you took the devices. I said, I didn't take the Fold. He's like, I asked you devices taken. And I was like, your yeah, device is taken. I took your phone, my phone, I took the plus spy card. He's like, no, the fold was also out. I was like, how would I know the fold is out? Because I'm still literally and we didn't really shoot a lot of content in Den so I was like, why was the fold out? He's like, I was using it, I was seeing the footage. Don't you remember? We were seeing the videos together. Because Sony's pala, even I was seeing all the underwater snorkeling ka footage. we snorkel tour Travangan to say Wo Sara footage, he transferred to us Samsung Z Fold 6. And we both were together looking at the Samsung Z Fold 6 mein sare videos. So he's like, We were seeing videos in the night, don't you remember? Before sleeping, I was seeing that. And he must have kept it in the bed. आई डेट लिफ्ट द बेड शीट बट वगोट टू लिफ्ट मज दिलो एंड अंडर द पिलो वी फरगोट अमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड सिक्स ब्रांड न्यू फोन जो ब्रांड ने हमको भेजा था

नहीं है प्लस डिवाइस गया वो अलग ब्रांड का डिवाइस है वो अलग वो मेरे को इतना पैनिक हो रहा था एंड रीत वाज लाइक इट्स ये एबी था। so, host, हम फ्लाइट में तो हमको नेटवर्क भी नहीं है टू कोऑर्डिनेट विदीएन बी होनी फॉर दैट मैटर टू लैंडिंग वोट द मोस्ट इंटेंस फोर्टी फाइव एवर मुझे पेलपिटेशन हो रहे थे मुझे एग्जाइटी हो रहा था रीत के भी मुंह पे मुझे दिख रहा था कि वो भी टेंशन में स्ट्रेस में है हमारा नहीं लाइक गोप्रो घुमा उसके बाद ही हम बहुत सैड हुए थे बट वो हमारा था तो वी वर लाइक जान का सदका बोल के चलो जाने दो इट्स ओके okay, हम दोनों की जान बच गई गोप्रो गया चलेगा हमको बट यहाँ पर वी लाइक वी सो केयरफुल लाइक दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हमको घाई नहीं थी गड़बड़ नहीं थी डेड आर चेक आई है फोटोज ऑफ द रूम ऑल द फोटोज एंड चेक कहा तकिया के नीचे रख के सो गए होंगे एंड तकिया के नीचे रख के सो रहा था एंड दिंग आई डेंट लिफ्ट तकिया एंड बिकॉज रीथ वॉज एन सो मच स्लीपिक वो रात को दो बजे तक बैठ के पैकिंग कर रहा था

बट कहीं पे भी नहीं था तो वो डेफ हो गया था कि हाँ हमने उसको डेंट के वो एबीएनबी में छोड़ दिया वो एक एय बी जो हम सिर्फ लेवर के लिए थे हमने उसको वहां छोड़ दिया उसके बाद ब्लॉक करना तो भूल जाओ आई पैनिक अटैक एंड आई वॉज लैंडिंग इन डेली

Helpful as soon as you put a missing item complaint over there, they call you, they lodge your complaint, they connect with the host so that this matter becomes sort of serious because Airbnb team uh, host contacts the itna hai. I told them the value of the phone is very high, it's literally almost a 2 lakh rupee phone, so that's the value of the item I've lost. and Airbnb support also took it very seriously and they also messaged the host. The host ko do se already a query, a thi. and just within five minutes, the host sent me a photo of the phone kept over there he got the phone from his housekeeping staff and there was a cafe near the Airbnb so, the phone is kept their villa did not have any reception system or did not have any person over there so they said that the phone has been discovered and it's kept in this cafe so you can collect it from this cafe and I was like how can is collect from cafe I have reached don't you have a system that you can ship it so they were like no we can't take responsibility of that so we can't ship it and the Airbnb support team also called me back and said your host has discovered your phone but they can't ship it due ड्यू टू देर रीजन सो यू कैन अरेंज लाइक अ फेड एक्स और डी एल एच तो आई लाइक ठीक है चलो डिस्कवर हो गया अभी फिगर करना है कि कैसे लाना है सो योर कम्स टू प्ले यूना यूना वॉज आर ड्राइवर इन ओबोद वॉज टू अच अ गॉड सेंट एंजल फॉर अज ही इज सच अ स्वीट आर यू गाइज अगर आप लोग कभी भी बाली जा रहे हो बे झिझक यू शुड कॉन्टैक्ट यूना बिकॉज ही इज सच अ हेल्पफुल ड्राइवर इज सो नाइस सच अ नाइस पर्सन सच अ नाइस पर्सन हमारा ओबोद डे ट्रिप ही हैड डन विद अज ही टुक सो

and then he went to, so i told him, call the phone, palekalekalo, because i trusted yuna and i was like, once he has the phone, it's fine and it's safe. So yuna, to get the phone and utnim in a because Pyle deals with the international shipments that happen at impulse coffees. so impulse coffees is my brand, you all know that. and koi international shipment ke your orders out there on our customer service number. we ship them via our courier partners, and whatever the shipment cost is, our customers bear it. and they get the impulse coffees internationally. so i immediately called Pyle and i was like, just connect with him and ask him if he can do रिवर्स पिकअप के बाली से यू पिकअपर वॉट इन फोन एंडलीव एन इन वॉयस दॉट इट एज कस्टम्स कैन रियलिप बिकॉज इट्स अ डिवाइस एंड यू नो कस्टम्स इज नोटोरियस टू स्टॉप योर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यू नो एक्सपेंसिव परचेज इज पॉसिबल ये तो मेरे को सूझाई नहीं अभी मैं क्या करूँ

Yes, my friend Karishka Thakur is in Bali and she can help you probably. एंड मैंने बाकी ये डीएम्स चेक भी नहीं कियाजिएटली जस्ट रिस्पॉन्ड आई जस्ट सेट प्लीज़ गिव हर माई नंबर एंड टेल हर टू कनेक्ट विथ मी एंड यू कैन गिव मी हर नंबर एंड जस्ट कैर टच बिकॉज मैं इतनी मैं अभी भी फ्लाइट में थी तिल ना विस्तार है नॉट येट आर ए डी बोर्डिंग सो आई इमीजिएटली कनेक्टेड विद कनिश्का वाइड यूना इज ऑन इज वे एंड यूना की तो थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है सो आई एम होपिंग की यूना इज अंडरस्टैंडिंग क्योंकि मुझे इतना रिस्पॉसिबिलिटी नहीं देना था उनको कि ही हैजू नो सेंड बाई फेडिक्स और डी एल एच बिकॉज ही वॉज नॉट रिलली अंडरस्टैंडिंग दट पार्ट ऑफ इट इज़ लाइक मैं फोन तो ले लूँगा बट कुरियर कैसे करते

On 18th of August, and that time you'll be able to receive it. So, is that okay with you? And I was like, Yeah, yeah, absolutely. Just coordinate with the driver if you can just collect the phone from him you know, he will come and drop it to you so you don't have to. she was ready to go to paradise cafe also and get it. and i was like, it's a carnegie bill, kurzaratnia. just coordinate with him. wherever you are, he will come and give. and if you can give him cash, because he wanted cash. so if you can give him cash, i will bank transfer to you, whatever it is. just please collect the phone from him. and she was like, yeah, absolutely. she was so sweet. the next day morning, she collected it from him. she sent me selfies also. it was like, I was like she was like, ho i have the phone. you will get it with you. don't worry at all. And very, very, very sweet girl. And Yuna was also such a gem. Like, Jesse, and Yuna go the phone, he immediately left and everything he was doing and went to collect it for us. So, we found such gems in this journey that I felt like a story time was very much deserving. Ke, this is what happened, and my SARS sport has always been such a great resource to. लिटरली फाइंड हेल्प इन द डार्केट ऑफ टाइम्स फॉर मी सो थैंक यू सो मच टू एवरी वन हू रिस्पॉन्ड टू माई स्टोरी आई सोन गॉट हेल्प आई डिलीटेड द स्टोरी तो इतने रिस्पॉन्सेज आए नहीं है शायद ज्यादा लोगों ने देखा नहीं होगा वो स्टोरी बार वनिष्का हैड द फोन वी वर स्ट्रेस फ्री चलो फोन मुंबई आ जाएगा एंड सम हाउ कनि फ्लाइट गॉट आई थिंक डिविएटेड एंड शीह टू लैंड इन डेली बची लैंड इन बॉम्बे Or something like that on those lines happened, and she was like, I'm landing in Bombay at this time, so can you send someone to pick it up? And I was like, Nothing, Rita and I are coming to the airport. We literally waited for four o'clock in the morning, it was her landing, and we both went to the Bombay airport, met her. She was so, so, so sweet, such a nice, kind person. Just meeting her was only such a positive vibe of energy, Kanishka. Like, really, we loved meeting her. We so, 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 so grateful, and then we came back over and we were like, Oh, yeah. तो वो गुजरते मोमेंट्स में आप फैदम नहीं कर पाओगे की कि कितना कुछ हो रहा है मतलब ये तो मैं व्लॉग भी नहीं कर पाई मुझे इतना पैनिक हो रहा था सो आफ्टर वी लैंडेड इन डेली का सिक्योरिटी चेक वेरी

गुड पर्सन गुड थिंग्स जब हमने दिल से वो फोन चाह इतनी दुआएं की मैंने लैंड करते समय वो फोर्टी मिनट जब हम लैंड हो रहे थे मैं पैनिक में थी बट तो सिर्फ दुआ करती थी बस अल्लाह वो, वो, वो फोन मिल जाए वो फोन मिल जाए वो फोन मिल जाए प्लीज वो फोन मिल जाए वो...

few questions from y'all.

have to pay for our stays in money we did pay them through our content the video content that we did on our platforms for the airbnb partners so that was a partnership and kuch kharcha nahi hua, but you will spend anywhere between 5000 to 15000 for a premium but you also get really really good villas in bali for 5000 per night you can check airbnb they are really really good villas on airbnb and i would personally always prefer an airbnb because they are much more spacious apart from the host feature and and the fact that you can cook your own food in an Airbnb. Airbnb is a really spacious, whereas a hotel room बहुत congested लगता है तो अगर आप लोग दो या ज्यादा लोगों बाली तो बड़े बड़े groups भी जाते हैं तो अगर आप ज्यादा लोगों तो you will find it a little suffocating in a hotel room. In Gili Travangan आप hostels भी check out कर सकते हो because Gili is a backpackers kind of an island. The तो hostels के vibe भी बहुत अच्छे थे Gili में तो you can check that also if you are a backpacker or a big group who likes to stay in hostels. उसके अलावा हमको ऐसा लगा कि Bali is not that expensive a place. तो

और इन द लोकल फॉरक्स या फिर एटीएम में इंडिया में आपको हायर ट्रांजेक्शन रेट मिलेगा तो यहाँ से करा के आप जा सकते हो या आपके कार्ड में आप यूएस so करने चाहिए हम दोनों का हम दोनों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लोग हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इक्वली बांटते हैं हम दोनों में एंड आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन दैट वाई माई बॉयफ्रेंड कैन टच माई बैग एंड कैन टेक मनी फ्रॉम माई वॉल

बहुत सारा ट्रांजेक्शन फी में वेस्ट हो जाता आपका पैसा हमारा दोनों का मिला के रफली टू एंड हाफ लैक गॉट स्पेंड दैट इंक्लूस आर फ्लाइट एंड आर इंटरनल ट्रेवल एंड फूड एंड एवरी थिंग एक्सक्लूडिंग द स्टेज एंड टू एंड लैक इट वॉज वन लैक ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर पर्सन फॉर अज ट्रिप टू बाली ट डज नॉट इंक्लूड स्टेज आप स्टेस पे बजटिंग कर सकते हो बट एक्सपीरियंसिस एंड फूड में आई डोट बजट वहाँ पे हमारा एकदम ट्रिप बजट ही था खाना पीना वगैरह वगैरह में खाया ऐसा कुछ भी खाना पीना वैसे महंगा भी नहीं है बाली में इट्स नॉट लाइक फैंसी रेस्टोरेंट्स और एनी थिंग इट्स ऑल रीजनेबली प्राइस कारीजनेबली प्राइस लाइक इफ यू गो गोवा गोल्सो यू स्पेंड फोर अ टैक्सी फॉर द एंटायर डे इन बाली ऑल्सो यू स्पेंड फोर अ टैक्सी डे सो इट्स रफली द सेम कॉस्ट द And the stays could be the major expenses that you'll be making. I really want to ask you how do you choose between enjoying the stay you already paid so much for and other activities? Like, do you feel like extending the stay and enjoying your hotel for a day, or prefer exploring other things? I always feel torn between the two things.

we went three days in a row and every single day it was over there so I don't think there's any reason that it will every day I'm just going to switch on the lights in my bedroom because

You just carry your insect repellents, that's the only way you play safe. I've completely lost the natural light it's time to sign out from today's video these were all the questions you had and this was our entire bali travel with our journey all complete i hope you all enjoyed if you didn't forget a big thumbs up for this video goes to dr varsha thank you so much for watching and supporting my channel if you want to be a part of next video you know what to do subscribe button bell icon right next to it and also leave a comment down below saying hashtag sarah and transfer to my next video sarah scored i will see you guys in another video bye guys love you